सिंगरौली में महुआ बिनने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में पिता पुत्र की मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पहले से ही इनके बीच विवाद था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिंगरौली में खमरिया गांव के दो यादव परिवारों के बीच महुआ बीनने को लेकर विवाद हो गया और मारपीट की वजह से दो लोगों रामसिया यादव व उसके बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यादव परिवारों के बीच काफी दिनों से जमीनी विवाद भी चल रहा था, लेकिन महुआ बीनने को लेकर विवाद मारपीट तक पहुँच गया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर जियावन पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया। कल जो है आम तोड़ने की बात पर से इनका मारपीट हुआ था। दोनों एक ही खानदान के लोग हैं, बाबा के लड़के हैं दोनों पक्ष, और मारपीट हुई की है तो दो, एक सिया रामसिया यादव और उनका लड़का एक रामकृष्ण यादव, ये इनकी मृत्यु हो गई है और 7 लोग इंजोर्ड है। इस परिवार के लोग जो देवसर अस्पताल में भर्ती है, थाने में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। क्या घटना हुई बब्बा? महुआ का आमा का विवाद। फिर विवाद बढ़ गया? हाँ। क्या हुआ? मारपीट का चल। मृतक के आप क्या लगते हैं? हमारा लड़का है नाथ। काहे का विवाद था? आमा का। क्या घटना हुई? सर ये आमा के खाते डगडा खे दिखाई ना आते, यहां मार कर नहीं गिराए रहे। कौन मारा किसको? अरे सर हम ना जाना, हम पाही पर रहन मारे पर आन तो का जानी हम। अच्छा। हां हम यहां आने की सब पता पर आ रहे हैं, बाद में पता पान है तान सब गिरा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।